वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइज अभी हाल फिलहाल हम आए हैं कोटा दशहरा मैदान में और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कोटा दशहरा मैदान में कौन कौन से झूले यहाँ पर आए हुए हैं और कितना यहाँ पर कार्य चल रहा है, क्या क्या चीज़ें सजावट की हो चुकी है, ये जो सारी चीज़ें हैं कितना क्या कार्य चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। दुकानें वगैरह तो काफ़ी सही सही लगाई है इस बार, मतलब कि बारिश वारिश भी अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। और आप लोगों को दिखाता हूँ जो मेले वाले रहते हैं जो झूले वूले लगाते हैं डॉलर वगैरह बड़ी बड़ी नाव जो झूले रहते हैं उनमें देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और कितनी धूप में ये लोग रह रहे हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ दशहरा मैदान में जो भी अभी हाल फिलहाल चल रहा है, तो बने रहिए आप ब्लॉग में और देखते रहिएगा। देखो अभी हाल फिलहाल दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस, आप लोगों को बहुत आसान लगता होगा झूले में बैठना और फिर आप कहते हो भैया 10 रुपये कम 20 रुपये कम, तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये लोग कितने पहले यहाँ पर आते हैं और ये देखो इतनी इसमें सोते हैं रात को और दिन में। वहाँ पर देखो छोटे बच्चे भी हैं इन्हों के, दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये देखो तंबू बना कर रहते हैं। गर्मी देखो इतनी आला गर्मी पड़ रही है ना, हाँ एक वह क्या कहूँ मैं आप लोगों को, इस टाइप से गर्मी पड़ रही है। और देखो ये झूले का जो वर्क है वो देखो, ये झूला है बड़ा वाला झूला, वो देखो कि अभी हाल फिलहाल में इसको मतलब सिस्टम वाइज सिस्टम इसकी कड़े कड़े जोड़ी जा रही है और इसको बड़ा किया जा रहा है। फिर इसमें जो भी डॉलर वगैरह है, जो चक्री वगैरह है, बैठने की चीज़ें हैं वो सारी इसमें लगा दी जाएगी। और ये देखो काफ़ी अलग अलग झूले यहाँ पर आए हैं, जो सबसे बड़ा झूला है वो भी यहाँ पर आया हुआ है कोटा दशहरे मैदान में। तो ये जो मेला है वो 12 अक्टूबर के बाद बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा। कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, खाना वाने का व्यवस्था देखो कैसे करते हैं, कितना स्ट्रगल है मतलब दुनिया में। और आप लोगों को दशहरे मेले में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और आप लोगों को जब भी मेला भरेगा तब आपको काफ़ी खुशी होगी, मेले में झूलने में वगैरह में सारी चीज़ें हो रही है तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखो कुछ झूलों के यहाँ पर कलर वलर भी किए जा रहे हैं, जो कि अब देखो ये कलर वलर किए जा रहे हैं ताकि ये काफ़ी यूनिक से लगे, अच्छे लगे, नए वाले लगे। और दिवाली का टाइम है तो कलर करना बनता भी है। ट्रक में जब मैं पहले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था मैंने, तब ये ट्रक में भर भर के चीज़ें आ रही थी, सारी चीज़ें ऐसे आती है देखो, ये ऐसे इस टाइप से आती है और फिर इन्हों को ऐसे तोड़ के इस टाइप से बनाया जाता है और फिर यहाँ पर देखो ऐसे लगाया जाएगा, देख रहे हो आप लोग। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें होगी और बहुत सारे यूनिक झूले हैं, अभी हाल फिलहाल में तो बहुत कम ही दिख रहे हैं, पर आप लोग जब भी आएंगे मेला देखने 12 अक्टूबर के बाद जब ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा तब ये डॉलर वॉलर, ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो पड़ी हुई है। और ये देखो दुकानें का हाल, देखो आपको बताता हूँ दुकानों का हाल कैसा है। इन्हों के ऊपर तो अभी हाल फिलहाल कोई छतरी वतरी नहीं लग रही है, पर थोड़े टाइम बाद ये आपको देखने को मिल जाएगा, इसके भी ऊपर छतरी वतरी भी देखने को मिल जाएगी। और ये देखो कुछ इस टाइप, देखो गाइस कुछ इस टाइप की गाड़ियाँ भी आई है छोटे बच्चों के लिए झूले के तौर पर, और ये इस टाइप का देख लो आप लोगों को दिख रहा होगा। इन दुकानों में भी अभी ये जो है ऊपर की छत्र छाया करना अभी बाकी है और फिर जैसे ही दशहरे का टाइम आएगा तो आप लोगों को पता ही है कि जब तो थोड़ी बहुत सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो इस टाइप का ही कुछ माहौल रहने वाला है और मेला काफ़ी तगड़ा बनने वाला है। 3D की लोकेशन में यहाँ पर जो रावण का पुतला उतला है उसको बनाया जा रहा है और फिर जिस दिन दहन का कार्यक्रम होगा, भाई साहब बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है ना। तो यही कुछ माहौल है, देखो इस टाइप की दुकानें हैं, अभी हाल फिलहाल में लोग वहाँ से रह रहे हैं। नगर निगम कोटा दक्षिण के जस्ट ये आसपास ही है, जस्ट आसपास क्या 2-5 कदम पे ही है, ठीक है ना। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, देखो सब चीज़ें हैं भाई, सब कुछ है। अभी हाल फिलहाल में अभी 10 दिन है, बहुत सारा टाइम है दहन को, दशहरा दहन को, तो उस तक तो बहुत तगड़ा माहौल होने वाला है। तो गाइस मेरी शक्ल देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है, क्योंकि यार क्या बोलूँ आप लोगों को,
फिर भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही गंदी बात है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कभी जो ठहरे।